त्योहार का समय हो और अपनों की याद नहीं आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और यदि अपने हो लेकिन उन्हें अपने बुजुर्गों की याद ना आए, तो ऐसे लोगों के दर्द का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित पुष्कर के स्नेहिल आश्रम में परिवार होने के बावजूद अकेलेपन की पीड़ा झेल रहे बुजुर्गों का दर्द विश्व मित्र संस्था के राष्ट्रीय संत कृष्णानंद महाराज ने समझा। उन्होंने इन बुजुर्गों के साथ फाग उत्सव मनाने के बाद इसका समापन भी किया। इस मौके पर उनके साथ आए संतों ने बुजुर्गों को गुलाल और पुष्प मालाएं पहनाकर स्वागत किया। संस्था की ओर से लगातार 7 सालों से इन बुजुर्गों को दी जा रही 2 माह की पेंशन दी गई। साथ ही संत कृष्णानंद जी महाराज ने वृद्धजनों को कोरोना वायरस के बचाव के लिए कई जानकारियां दी। इस मौके पर बांसेली ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित उप सरपंच हनुमान सिंह गोदिया भी मौजूद रहे। आज शासकीय वृद्धाश्रम पुष्कर में फागोत्सव मनाया गया। इस अवसर पे हमारे महामल्लेश्वर राम बालक जी महाराज जी हमारे साथ पधारे और सभी प्रवासी जनों को हमने शुभकामनाएं दी, चंदन का तिलक लगा के माला पहना के इनके दीर्घायु की कामना की और कोरोना वायरस से बचने के बारे में इन्हें जानकारी दी, स्वस्थ और अनेक अनेक जो विधियां हैं बचाव की सभी वृद्धजनों को बताया और इस अवसर पर 2 महीने की पेंशन हम लोगों ने यह वितरण की।